हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज का हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इन शॉर्ट इट इज नोन एज CAD। लेट्स बिगिन। CAD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इन दिस कोरोनरी आर्टरी बिकम नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड कंप्लीटली और पार्शली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस, एम्बोलस एक्सेट्रा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इस कोरोनरी आर्टरी में मान लीजिए कोई रुकावट आ जाए जिसकी वजह से यह कुछ या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, इस कंडीशन को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इस रुकावट का कारण एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस या एम्बोलस कोई भी हो सकता है। यदि कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आएगी तो इस आर्टरी द्वारा हार्ट तक ले जाए जाने वाला ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और हार्ट की सेल्स की डेथ होने लगेगी। इसे हम इन्फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। कॉजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। द यूजुअल कॉज इज द बिल्डअप ऑफ प्लेक। दिस कॉजेज कोरोनरी आर्टरीज टू नैरो, लिमिटिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट। कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन के कारण रुकावट का आना इसका मुख्य कारण है और इस रुकावट के कारण यह आर्टरी हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पाती। रिस्क फैक्टर्स। निम्न कंडीशंस में पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है या उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, यह रोग अनुवांशिक भी होता है यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो सकता है। मेल्स की तुलना में यह रोग फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं उनमें इस डिजीज़ की होने की संभावना बढ़ जाती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को यह डिजीज़ हो सकता है। ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, उनमें भी CAD डिजीज़ होने की संभावनाएँ काफ़ी होती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट में निम्न लक्षण देखने को मिल सकते हैं। चेस्ट पेन, डिस्पनिया यानी सांस लेने में तकलीफ होना, टैकीकार्डिया यानी उनकी हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी महसूस करेंगे, सिनकॉप यानी अचानक से बेहोशी आ जाएगी, पाल्पिटेशन, फैटिक और एंजाइटी। ट्रीटमेंट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल और सर्जिकल दो तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ब्लड थिनर्स ड्रग दी जाती हैं जो कि इन आर्टरीज में थ्रोम्बस, एम्बोलाई या फिर क्लॉट बनने से रोकती हैं, ब्लड को पतला रखती हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉडिफाइंग मेडिसिन भी दी जाती हैं क्योंकि यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो ये हार्ट के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से ही प्लेक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज के अंदर। बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पेशेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकली हम तीन मेन ट्रीटमेंट यूज करते हैं CAD को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, फिर है PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, और इन द लास्ट एथरेक्टोमी। एथरेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक को सर्जरी द्वारा उस अफेक्टेड आर्टरी से निकाल लिया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में CABG और PTCA का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी के मरीजों को नर्सेस द्वारा, डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया सारा ट्रीटमेंट टाइम से सही मात्रा में एडमिनिस्टर करना चाहिए। पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए कि वो अपनी डाइट में सोडियम, कैलोरी और फैट की मात्रा कम रखे। पेशेंट को स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अल्कोहल कंजप्शन भी बंद कर देना चाहिए। पेशेंट को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। CAD के मरीजों को डॉक्टर, नर्सेज और सभी हेल्थ पर्सोनल्स द्वारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।